हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आज हम करेंगे गेमिंग रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी F62 का। मैं इस फोन को पिछले 15 दिनों से भी ज्यादा हो चुका है कि मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं अभी तक, और अभी तक मैंने इस फोन का गेमिंग रिव्यू नहीं किया था क्योंकि मैं इस फोन को लॉन्ग टर्म यूज करके इस फोन का गेमिंग रिव्यू करना चाहता था, ताकि मैं इस फोन का एक अच्छे से गेमिंग रिव्यू कर सकूं और आप तक एक सही रिव्यू पहुंचा सकूं कि क्या आपको स्मार्टफोन गेमिंग पर्पज से लेना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस फोन में आपको एक फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलता है एक्सिनोस का 9825 का, 6GB और 8GB के रैम के ऑप्शन के साथ ये डिवाइस आता है। ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो COD में आपको वेरी हाई में मैक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा एक अच्छी बात है। PUBG में आपको स्मूथ में एक्सट्रीम और HDR में अल्ट्रा का ऑप्शन देखने को मिलता है। गेम प्ले की बात करूं तो चाहे आप लो सेटिंग्स में खेलो या फिर हाई सेटिंग्स में खेलो, स्टार्टिंग में आपको 1-2 गेम प्ले बहुत ही ज्यादा स्मूथ देखने को मिलेगी। 58-60 FPS आपको कॉन्स्टेंट देखने को मिलेगा उस टाइम पर, काफी मस्त एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा स्टार्टिंग के 1-2 गेम प्ले में। लेकिन जब आप कंटिन्यू लंबे टाइम तक के लिए गेम प्ले करते रहोगे तब आपको हीट फील होनी शुरू होगी धीरे धीरे करके, और फिर धीरे धीरे करके आपको परफॉर्मेंस में डिक्रीज देखने को मिलेगा। फिर 2-3 गेम प्ले पबजी हो या COD हो, आपको हीट भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, प्लस लैग्स भी आपको काफी ज्यादा अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। FPS ड्रॉप्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पे, आपको 40 FPS तक में देखने को मिलेगी, और साथ ही लैग्स भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे इस फोन में। मैंने जब खेलना शुरू किया तब 2 लॉन्ग गेम प्ले काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिला मुझे, मुझे लगा सही में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इस फोन की। फिर उसके बाद फोन हीट होना शुरू हुआ और परफॉर्मेंस की ऐसी तैसी होती गई। मुझे स्टार्टिंग में लगा शायद ये अभी हो रहा हो, बाद में नहीं हो, लेकिन फिर मैंने जब भी खेला तभी भी मुझे सेम प्रॉब्लम ही देखने को मिला इस फोन में। हीटिंग इशू देखने को मिलती है, उसके बाद परफॉर्मेंस में डिक्रीज काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है, बार बार देखने को मिला मुझे ये चीज। फिर मुझे लगा सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है, अपडेट से जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन अपडेट के बाद भी मुझे सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है अभी तक।
Target down. Reloading. Is in the lead. Clear. तो ऐसी कुछ मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिली है पिछले 15-17 दिनों में। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि क्या आपको स्मार्टफोन गेमिंग पर्पस से लेना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप एक से दो गेम प्ले ही खेलते हो दिन भर में टाइम पास करने के लिए, तब आप डेफिनेटली इस फोन को ले सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस इस फोन से देखने को मिल जाएगा गेमिंग पर्पस से। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पैसे इस फोन पे इन्वेस्ट मत करो गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि सैमसंग वालों ने जैसा बताया कि इस फोन में आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी उस तरह की परफॉर्मेंस इस फोन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपने पैसे इस फोन में इन्वेस्ट मत करना, आप किसी और फोन को ले सकते हो। इस प्राइस रेंज में आपको काफी सारे अच्छे अच्छे फोन देखने को मिल जाएंगे गेमिंग पर्पस से, तो आप उन फोन को ले सकते हो। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो और आपका आपका डिसीजन लेने में हेल्प हुआ हो। अगर ऐसा है तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा इधर ही किधर, तो उसे दबाकर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।